जी उषा जी, फिर से वही डबल होगी मादा जी, डबल ही फीमेल नहीं जी, डबल ही फीमेल आपको पेयर पेयर करके दिखाया जा रहा है। हर ब्रीड का पेयर आपको दिखाया जा रहा है जी। पहले आपको नर दिखाया गया डबल है और अब मादा का शॉक करवाया जा रहा है जी। उषा जी पर दिखाइए, बहुत शुक्रिया जी। उस्ताद जी अब किन की बारी आ गई? ये स्लेटी बिच्छू ब्रीड है जी। ले जी बिच्छू कबूतर उस्ताद मलिक मोहकम साहब के, आइए जी इनका शौक करवाएं। माशाल्लाह सारे कबूतर आपके अच्छे हैं, लेकिन ये पता नहीं मुझे जाती तौर पे ये बड़ा पसंद है आपकी ब्रीड। स्लेटी बिच्छू ब्रीड में से फीमेल आई है जी, आपको माता का शौक करवाएं स्लेटी बिच्छू ब्रीड। फिर आपको बताते चले नए आने वालों के लिए कि ये आपको पेयर पेयर करके शौक करवाया जा रहा है, तमाम ब्रीड्स का एक एक पेयर दिखाया जा रहा है। जी नाज़रीन, आज आपको शौक करवाया उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब की छत पे, आप जरा थोड़ी गपशप भी कर लें। उस्ताद जी आजकल बच्चे पलवाने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें गर्मी से जो है माँ बाप जो है वो भी सेफ रहे और बच्चे भी अच्छे पल सके? सबसे पहले तो कबूतरों की जो केज है उनकी सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए पूरा साल। दूसरा साफ सुथरा धुला हुआ दाना डालना चाहिए, यानी कि धो के डाला जाए, धो के सुखा लिया जाए, धूप में सुखाया जाए या छांव में रख के कोई फर्क नहीं पड़ता। धूप में फिर बहुत ज्यादा देर ना पड़ा देना, नहीं छांव में, अगर मौसम गर्मी का है तो छांव में सुखाए, छांव में सुखाए। सर्दियों में मजबूरी होती है कि सूखता नहीं है। तो इसके अलावा, इसके अलावा दाना जो है ना हमेशा मौसम के मुताबिक डालना चाहिए। जैसे गर्मी है तो फिर आप जो ठंडी तासीर का दाना है उसकी मिकदार बढ़ा दें। मतलब क्या क्या चीजें इस्तेमाल की? जैसे सरसों हो गई, ज्वार हो गई और भांग के बीज है, ठीक है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी ज्यादा शामिल कर लें गर्मियों में। चने भी ठंडे होते हैं, अगर उसकी भी मिकदार बढ़ाई। चने तो बहुत जरूरी है, चने मकई और गंदम। अच्छा उस्ताद जी, कई लोग कहते हैं कि जी मकई की ज्यादा मिकदार नहीं डालनी चाहिए, उससे चर्बी माताओं में ज्यादा आती है, बात सही है? लेकिन हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत ज्यादा मकई तो अच्छी नहीं होती, वो रेशा भी पैदा करती है, लेकिन होनी जरूर चाहिए, होनी चाहिए। वो मोटा करती है, फैट्स पैदा करती है कबूतर के अंदर जो जरूरी होते हैं, कबूतर कमजोर नहीं होता। तो एक मुनासिब जो मकदार है ना उसमें दाना डले तो कबूतर आपके बड़े अच्छे रहते हैं।
अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चों को जरूरी है ये चीज, आप क्योंकि इस फील्ड में ज्यादा रखते हैं, तजर्बा रखते हैं, ये जरूरी है कि बच्चों को डेली चेक किया जाए शाम को बंद करने से पहले, किसी का पोर्ट खाली ना हो या इस तरह कोई चीज? देखें जी, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। ठीक है, काफी दोस्त ऐसे हैं जो चने रात को भिगो देते हैं या सुबह भिगो देते हैं, वो शाम को कबूतरों को पकड़ पकड़ के चने खिलाते हैं, साथ पानी ड्रॉपर से देते हैं। इस तरह ये होता है, बच्चे कमजोर नहीं रहते आपके, यानी कि ये अच्छी चीज। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेहनत बहुत है इसमें। जो मेहनत कर लेगा उसको उसका फायदा ही होगा। तो बाकी कुछ मल्टी विटामिन होते हैं, वो भी महीने में दो दफा जरूर इस्तेमाल करते हैं। पानी में? जी जी, पानी में। गर्मियों में आप साथ ग्लूकोज जरूर डालें, क्योंकि विटामिन बहुत गर्म होते हैं, तो ग्लूकोज साथ जरूर डालें। कोई विटामिन तजवीज करना चाहिए? जो मेरे तजर्बे में रहे हैं, वीटा जो पाकिस्तान से आसानी से मिल जाएंगे, वीटा सोल सुपर या साइमोडेक, बहुत साइमोडेक जो है वो मैं भी यूज करता रहा हूँ, बड़े अच्छे हैं विटामिन। और ये चीज जहन में जरूर रखिए, जैसे उस्ताद जी ने कहा कि साथ में ग्लूकोज का इस्तेमाल लाजमी करें, तो विटामिन गर्म होते हैं। गर्मियों में जो आपके केजेस हैं उनका जो दर्जा हरारत है वो थोड़ा मुनासिब होना चाहिए, यानी कि अगर ऊपर आप जाल पे कपड़ा लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, ताकि कम से कम पड़े, धूप कम पड़े। ठीक है, और जब ज्यादा गर्मी हो थोड़ा पानी का छिड़काव छत पे कर लें, थोड़ा ठंडी ठंडा माहौल थोड़ा सा मिलना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत लगातार जो गर्मी ना वो कबूतर का बेड़ा गर्म कर देते। फिर इमली आलू बुखारे का पानी जरूर बना के रखते हैं गर्मियों में। वो हफ्ते में कितनी दफा यूज किया जाए? वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हैं, नुकसान नहीं, नहीं कोई नुकसान नहीं। गर्मियों में जी एक दिन छोड़ के एक दिन इमली आलू बुखारे का पानी जो है वो भी आप सादा पानी के साथ मिक्स करके वो भी एक कप डाल दें, एक कप डाल, बस तासीर देनी है थोड़ी ठंडी, यानी कि दो किलो का मिहाल करानी होती है, दो किलो में एक कप जो है वो उसका डाल दिया जाए तो उसकी तासीर आ जाएगी, जरा ठंडक रहेगी कबूतर को, कबूतर हीट नहीं होगा अंदर से और तंदुरुस्त रहेगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे पास। ये कैसे हो सकता है उस्ताद जी, ये तो मेरा तो अपना घर है, मैं तो अपना घर समझ के आता हूँ, मैं कभी ये सोच के नहीं आया कि जी वो मुझे उस्ताद जी बुलाएंगे तो आऊंगा। उस्ताद जी के घर में वैसे ही आ जाता हूँ, जब दिल करता फोन करता हूँ जी आ रहा हूँ, वो और कभी भी नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मना किया। इसमें कोई शक भी नहीं, आपका अपना घर है। जजाकुल्लाह। नहीं, देखते रहिए पाकिस्तान विजन एसोसिएशन चैनल, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करके हमारे साथ दें, ताकि मजीद अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।